बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो एग ब्रेड रोल्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 अदर जो है वो मैंने आलू लिए हैं उबले हुए, ठीक है, एक मामा के हाथ में है, 2 जो है वो मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आलू उबले हुए हैं, ठीक है, उनको हमने ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है बारीक बारीक जो है, ताकि हमारे पास कद्दूकश हो जाए आलू अच्छे तरीके से, और इसमें लम्स जो है वो नहीं रहेंगे। अगर आप हाथ से मैश करते हैं तो कहीं से ज़्यादा रह जाते हैं, कहीं से कम, सही तरीके से वो मैश नहीं होता। तो ये बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आगे आप लोगों को पता है रमज़ान आ रहा है, तो आप अफ्तारी में इसको बना सकते हैं और झटपट से तैयार हो जाएगी। और इस रेसिपी को जो है आगे आगे आप देखिएगा, तो आगे मैं आपको बताऊंगी। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें हमने उबला अंडा डाला। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो आपने क्या करना है, इसमें फिर जर्दी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ वाइट एग शामिल करेंगे, ठीक है। तो अंडे भी जो है वो आपने इस तरीके से आराम आराम से ग्रेट कर लेनी है, एहतियात करनी है कि हाथ जो है वो आपका ज़ख्मी ना हो। ये देखें, अब अच्छे तरीके से जो है ना ये ग्रेट हो गए, देख लें। अब हम इसमें जो है वो मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, इसके अलावा चिली फ्लेक्स, दरपर मिर्च जिसको कहा जाता है, 1/2 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार किस्म की और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। 1 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ कुटा हुआ भुना हुआ धनिया हमने डाल दिया। अब हम इसमें जो है वो डालेंगे ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1/2 टीस्पून, साथ ही नमक जो है वो आप हसबे जायका शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून जो है शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। पहले जो है वो सॉरी गरम मसाला जो है वो हमने 1/2 टीस्पून डाला था। अब जो है अब इसमें धनिया जो है वो शामिल करेंगे, सब्ज धनिया, एक तो हमने कूटा हुआ धनिया डाला है, ठीक है, पीसा हुआ। अब जो है ना दूसरा हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। इस तरीके से आपने बारीक बारीक काट के जो है वो धनिया शामिल कर देना है। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है फ्रेश धनिए की, और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को धनिया नहीं पसंद है वो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही हरी मिर्च जो है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, एक सब्ज़ हरी मिर्च है, उसको भी इस तरीके से आपने बारीक बारीक काट लेना है। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से आलू और अंडे के मिक्सचर के साथ जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तब तक हमने इसको मिक्स करना है, तब तक ये तमाम मिक्स हो जाए वो यकजानी हो जाता। यहाँ पर एक बाउल ले लेना और उसमें 2 बड़े चम्मच जो है वो बेसन के आपने ले लेने, 2 से 3 चम्मच आप ले लें। अब इसमें जो है वो हम क्या शामिल करने जा रहे हैं, नमक 1/2 टीस्पून या हसबे ज़रूरत, हसबे टेस्ट नहीं होता भाई, हसबे जायका। साथ ही इसमें जो है लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके अलावा चिली फ्लेक्स हम डालने जा रहे हैं इसमें 1/2 टीस्पून। ये कोटिंग तैयार कर रहे हैं हम, कोटिंग अच्छा जी। अब हम इसमें जो है वो पानी शामिल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके इसको जिस तरह पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करते हैं ना, उस तरीके से करेंगे हम। हल्का हल्का पानी आपने शामिल करना है, ज़्यादा पानी जब आपने शामिल नहीं करना, ये ना हो कि आपकी कोटिंग बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाए। अच्छा जी, तो ये देखें हमारी कोटिंग जो है वो रेडी हो गई है, ये देखें इतनी पतली होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारी ये वाली कोटिंग तैयार हो गई है, ये मैंने बताया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने 1 चम्मच जो है वो मैदा लिया था, थोड़ा सा पानी, और इस तरह की इसकी कोटिंग जो है वो तैयार कर ली है। ओके, अब हम ब्रेड को जो है वो क्या करेंगे, काटेंगे, क्योंकि हमने उसके रोल बनाने हैं। तो ये हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है, 1 स्लाइस लेंगे ब्रेड का, और इसके कॉर्नर्स को जो है ना वो हम काट लेंगे।
इस तरीके से कॉर्नर्स को जब आपने काट लेना है। कॉर्नर्स को हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमने इसको आगे बेलना है, तो वो सही तरीके से नहीं बेला जाएगा और कॉर्नर जो होते हैं वो अंदर वाली जो चीज़ होता है ब्रेड उसके जो है ना उस ज़्यादा मोटे होते हैं, तो फिर उस तरीके से उस इसकी एक जैसा नहीं दिखाई देता। तो ये देखिए इस तरीके से आपने सारे इसको काट लेना। अब हमने क्या करना है, बेलने की मदद से इसको बेल लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए साइज़ में और पतला भी हो जाए। दोनों साइड से अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर करके जो है वो इसको बेल लेना है। ये देखें इतनी पतला हो जाएगा, ये देखें ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने जितने रोल तैयार करने हैं उसके कॉर्नर्स काट कर आप इस तरीके से बेल कर रख सकते हैं। इस तरह बेल कर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जब आपने इसको बेल ही लिया तो इसमें कोटिंग लगा कर, बल्कि इसमें जो है ना सिर्फ आप क्या करें जो मिक्सचर बना हुआ ना वो लगा कर ऊपर कोटिंग जो है वो करके जो है आप इसको फ्राई कर लें, और अगर आपने फ्रीज़ करना है तो सिर्फ इसके अंदर फिलिंग करके तो इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर कोटिंग नहीं करनी। कोटिंग आपने तभी करनी है जब आपने इसको फ्राई करना होगा। इसी तरीके से सारे रोल हम तैयार कर लेंगे जी। ये देखें ये एक हमने यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस ले लिया। अब हम इसके दरमियान में जो है वो जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था उसको रखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, कोट करेंगे इसको जो है आपने इस तरीके से जो है राउंड कर लेना, ताकि इसके ऊपर जब हम ब्रेड को रोल करें तो अच्छे तरीके से हो जाए ऐसे, ठीक हो गया। अब साइड पे जो है ये जो कॉर्नर्स हैं ये जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, इससे ना आपने इस तरीके से चारों साइड पे इसको लगाना है। इससे ये होगा कि अच्छे तरीके से ना ये इस तरह प्रेस करके ये जुड़ जाएंगे और जो बाहर आपने फिलिंग इसके अंदर की हुई है वो बाहर नहीं आएगी। इस तरीके से जब आपने अच्छे तरीके से मिक्सचर लगाकर कोटिंग लगाकर आपने इसको बंद कर देना। ये देखें हमारा एक पोटैटो एग ब्रेड रोल तैयार हो गया है। इस तरीके से आपने जितने भी रोल तैयार करने हैं उसको आप तैयार कर सकते हैं। शेप आप इसकी कोई भी दे सकते हैं, हमने इस तरह बनाई है। आप चाहें तो इधर फिलिंग रख के इसको राउंड भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक रोल की शेप आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसको इस शेप में रखें, ठीक है, आप चाहें तो इसको राउंड कर लें। इस तरीके से आपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। ये देखें इसको जो है वो हम राउंड शेप दे रहे हैं, ठीक है, शेप आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। ये देखिए अब इस तरह जो है वो आप उसी तरीके से लगाएंगे मिक्सचर मैदे और पानी का, और इसको बंद कर देंगे। इस तरह ये जो दोनों साइडें हैं उधर भी जब आपने इस तरीके से मिक्सचर लगाना है और इसको बंद कर देना है। इस तरीके से सारे रोल आप जितने भी बनाने हैं आपने इसको तैयार कर लेना है। अच्छा जी ये देखें कितने प्यारा जो है ना प्यारे तरीके से हमने रोल जो है वो तैयार कर लिए। दो इस शेप के तैयार किए हैं, मुझे ये वाली शेप पसंद है, तो मामा ने ना फिर दो रोल इस शेप के तैयार कर लिया, और ये शेप जो है वो वैसी ही थी, तो ये भी एक अच्छी शेप है। अगर आप चाहें तो इस शेप को भी तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी स्टेज पर जो है आपने फ्रीज़ करना है ना, मैं तो यहाँ पर तीन सिर्फ जो है आपको रोल फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप जो है ज़ाहिर बात है रमज़ान आ रहा है तो प्री प्रिपरेशन होती है रमज़ान की, ठीक है, तो आप इसको पहले ही बना कर रख सकते हैं, 12-24 बना कर रख सकते हैं एक ही दफ़ा, तो उसके बाद कोटिंग जो है वो फिर आपने बाद में इसकी करनी है। तो इस स्टेज पे जो है आपने बस इसको फ्रीज़र कर देना। यहाँ पर ये कोटिंग तैयार हुई हुई है, बस अब हम क्या करेंगे इन रोल्स को उठाएँगे और इसके अंदर डीप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरीके से जब आपने इसकी कोटिंग करनी है, और इसमें इसको बहुत ही एहतियात के साथ इसमें डाल दें।
आंच जो है आपने लो टू मीडियम रखनी है, फुल नहीं रखनी है क्योंकि पहले ही ये जो है पके हुए हर चीज़ रेडी है, तो ब्रेड बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है, तो आपने आंच अगर तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे, तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ही एहतियात के साथ आप इसको जाना आपने इसको इसके अंदर डाल देना। एक साइड को जो है वो हम 2 से 3 मिनट जो है वो कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड को जब आप चेंज कर दीजिएगा, फौरन चेंज नहीं करना। देखिए इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। साइड हमने इसकी चेंज कर दी है, देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है, इतना ज़्यादा नहीं आया लेकिन थोड़ा थोड़ा गोल्डन आ गया इसके ऊपर। अब दूसरी साइड को आपने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ये देखें कितना प्यारा लाइट कलर आया है। आप चाहें तो इतना कलर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप इसको कलर दे सकते हैं, या आपके अकॉर्डिंग है कि आप इसको ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं या लाइट साइज़ का कलर रहे। अच्छा जी, तो हमारे पोटैटो ब्रेड एग रोल्स तैयार हो गए हैं। पोटैटो ब्रेड एग रोल्स भी कह सकते हैं और पोटैटो एग ब्रेड रोल्स भी कह सकते हैं। अब आपने इसको एक प्लेट में जब निकाल लेना, देखें जी कितना प्यारा कलर आया है, माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी है, बेसन की खुशबू वैसे बड़ी प्यारी आती है। और ये जो ऑयल बच गया ना, इसको आपने स्ट्रेन करके अपने पास स्टोर कर लेना है, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई की जाती हैं, तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना। यह देखें कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी, और ये दही की चटनी के साथ, केचप के साथ, मायो के साथ आप लोग खा सकते हैं। अफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी भी रमज़ान जो है वो शुरू होने का, तो आप इसको बना कर जो है ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज जो है वो लेकर आ सकें। खुश हैं, आबाद हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।